नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पंचामाक्षर या फिर अनुस्वार, यानी कि पंचामाक्षर और अनुस्वार के बारे में जानेंगे। कभी-कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आ जाता है कि पंचामाक्षर किसे कहते हैं, उनके नाम बताइए। अब हम देखते हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। दोस्तों, हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है अंग्य, अण, न और म, ये पांचों वर्ण मिलकर ही क्या हो जाते हैं, पंचामाक्षर हो जाते हैं। और ये सारे के सारे वर्ण अर्थात पांचों वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या है? अंग्य, अण, न और म। दोस्तों, बच्चे इसको क्या बोलते हैं, अण। इसको भी क्या कहते हैं, अण। और इसको भी क्या कहते हैं, अण। तो अब इसका, इन तीनों का उच्चारण सही ढंग से करना सीखिए आज। ये क्या है, अंग्य। क्या है ये? अंग्य। ये है य और ये है अण। ये पंचामाक्षर कहलाते हैं, ये सारे के सारे पंचामाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर, संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचामाक्षर प्रयुक्त होता है। दोस्तों, यहां पर मैंने सूची बना रखी है, जो यहां पर मैंने शब्द बना रखे हैं अर्थात पंचामाक्षर से बने हुए शब्द लिख रखे हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क वर्ग। तो आपने क वर्ग पढ़ा होगा, जैसे क, ख, ग, घ और अंग्य। अंतिम वर्ण क्या होता है दोस्तों इसका? अंग्य। फिर च वर्ग। च वर्ग का क्या होता है? च, छ, ज, झ और य। फिर क्या है? ट वर्ग। तो ट का क्या वर्ग होता है? ट, और अणा, ये अणा। फिर देखिए त वर्ग, ध और न। फिर क्या है? प वर्ग। तो प, फ, ब, भ और म। ये देखिए पंचामाक्षर हैं। इन वर्ण, इस वर्ग के अंत में जो अक्षर होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, पांचों को पंचामाक्षर कहते हैं। तो यहां पर देखिए इसका प्रयोग, यहां पर इस शब्द में देखिए क्या लिखा है, ये अंक। ये काय में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। तो देखिए संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर, तो देखिए संस्कृत के अनुसार हमारे पास क्या लिखा है, ये अक। क्या है दोस्तों? अक। तो शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का है, तो हमारे पास क्या है यहां पर, अंतिम अक्षर शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? क। तो देखिए अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचम अक्षर प्रयुक्त होता है। तो देखिए हमने ये लगा दिया यहां पर, देखिए यहां पर ये लगा है अंग्य। क्या है अंतिम अक्षर? क्या है? अंग्य। तो यहां पर देखिए अंग्य की बिंदी। फिर क्या है? च वर्ग। तो यहां पर क्या है हमारे पास? शब्द चंचू। तो यहां पर क्या है हमारे पास? ये क्या है? चचू। क्या है हमारे पास? शब्द चचू। तो अंतिम अंतिम वर्ण देखिए चा वर्ग का है, तो इससे पहले इसकी बिंदी यहां पर लग जाएगी, अर्थात ये यहां की बिंदी है। क्या की बिंदी है? ये यहां की। कुछ बच्चे इसको ना की बिंदी बोलते हैं जबकि ना की नहीं है, ये काय की है? ये या की। अब देखिए ट वर्ग। तो ट वर्ग का मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, शब्द लिख रखा है खंड। इस अक्षर का मैंने खंड शब्द बना रखा है। तो हमारे पास क्या है? खड़। क्या है शब्द? खड़। तो देखिए यहां पर क्या है? ड। क्या है दोस्तों? ड। अब ये ड कौन से वर्ग संबंधित है? तो आप देखो ट, ठ, ड अर्थात ये टा वर्ग का है, टा वर्ग में ये आ रहा है, तो ये अणा यहां पर लग जाएगा। हम बोलेंगे खंड। क्या बोलेंगे हम? खंड। अगर कोई बच्चा पूछे सर
या मैडम इसमें काय की बिंदी लगी हुई है? बेटा ये आधे ना की या फिर आधे ना की बिंदी है, जबकि ये काय की बिंदी थी दोस्तों? अणा की बिंदी थी ये, काय की बिंदी थी ये? अणा की बिंदी थी। अब देखिए ता वर्ग से संबंधित, ना से संबंधित मैंने शब्द बना रखा है संधि। अब देखिए यहां पर क्या है, सधी। क्या है हमारे पास? सधी। तो इस वर्ण को देखिए, अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास? क्या है दोस्तों? ध। तो ध का कौन से वर्ग में आता है? का में आता है, चा वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है, ता वर्ग में आता है, पा वर्ग में आता है। तो बताइए आप, संभावित है, स्वाभाविक है कि ता वर्ग में आता है ये? तो देखिए यहां पर ये बिंदी लग जाएगी, किसकी? ना की। अब देखिए दोस्तों, पा वर्ग से संबंधित दंभ, मैंने एक मा से संबंधित क्या लिख रखा है? एक दंभ शब्द लिख रखा है। तो देखिए क्या है, दभ। क्या है ये? दभ। अब आपको अंतिम अक्षर देखना है, ये कौन से वर्ग का है? ये का वर्ग का है, पा वर्ग का है, टा वर्ग का है, ता वर्ग का है? तो बताइए कौन से वर्ग में आता है ये? स्वाभाविक है ये पा वर्ग में आता है, पा फ ब भ और म। तो ये बिंदी यहां पर लग जाएगी दोस्तों। डॉक्टर श्याम सुंदर दास व उनके सहयोगियों ने कहा है कि पंचम अक्षर व्यंजनों की जगह हमें अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग करने के कारण क्या हो जाता है, लिखाई छपाई और टंकन में हमें सुविधा मिल जाती है। जैसे कि ये क्या है हमारे पास? अंक। क्या है दोस्तों? अंक। तो इसको हम सुविधा अनुसार कैसे लिख सकते हैं? इसको ये अंक जो मैंने यहां पर भी लिखा था ये। फिर क्या है? चंचू। इसको हम सुविधा अनुसार कैसे लिख सकते हैं? अनुस्वार लगा सकते हैं, या अनुस्वार लगा दिया और ये चंचू बन गया। फिर क्या है? खंड। इसको हम सुविधा अनुसार कैसे लिख सकते हैं? ये खंड। फिर क्या है? संधि। क्या है दोस्तों हमारे पास? संधि। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? संधि को इस बिंदी लगाकर, अर्थात अनुस्वार की बिंदी लगाकर लिख सकते हैं। फिर क्या है? दंभ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार। इससे हमारा समय बचेगा, परंतु आपको ये नियम ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर कौन सी बिंदी है, इसको आप ना की बिंदी ही मत समझ बैठना। ये अलग अलग पांचों बिंदियां होती हैं, ये अनुस्वार होते हैं पांचों अक्षर, और इन्हें ही पंचम अक्षर कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।